ये सिर्फ केवल ये रिलेटेड डेटा को सेलेक्ट करना है, तो देखो ये है ना, कहीं पर भी क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, कहीं पर भी क्लिक कर दो इस डेटा में, कहीं पर भी क्लिक करने पे और कंट्रोल ए प्रेस कर देने से ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया ना। अब क्या करना है, बाहर का कोई नहीं सेलेक्ट होगा, अब यहाँ से अल्ट वी प्रेस करना है, अल्ट के साथ वी और फिर जेड एक साथ प्रेस करो तो ये जूम वाली विंडो ओपन हो जाती है। अब यहाँ से हम जूम कर सकते हैं, 100% जूम करना है, 200 करना है, 75 करना है, 80 करना है, यहाँ से कस्टम भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ 300%, तो ये देखो 300% की जूमिंग हो जाएगी, देखो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। फिर अगर छोटा करना है तो अल्ट वी और जेड भी आ जाएगा। अब इस बार 100% करना है तो ये 100% हो जाएगा, तो छोटा हो गया, ठीक है। इस तरीके से जूम करना है तो अल्ट वी और जेड आ गया, ठीक है, अल्ट वी और क्या करना है, जेड प्रेस करना है, ठीक है। देखो फिर से दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे इसको बड़ा कर रहा हूँ, ये 200% करके, ये 200% हो गया। अल्ट वी और जेड क्या प्रेस करना है, अल्ट वी और जेड, खाली जेड, जीरो भी नहीं, जेड, ठीक है, अल्ट वी और क्या प्रेस करना है, जेड,